नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। आधा किलो गाजर ली थी, इसको धो करके और छील करके और इस कद्दूकस कर लिया है। 2 चम्मच शुगर, 250 ग्राम मावा, 1 चम्मच घी और ये थोड़ा सा हमने काजू लिए है गार्निश के लिए, बादाम, काजू की कतर और 1 किशमिश। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। अब हम ये डालेंगे घी, जो हमने घी लिया था 1 चम्मच, उसको डाल देंगे इसी में। घी हमारा पिघल गया है, अब डाल देंगे इसी में गाजर और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध हम 1 गिलास डाल रहे हैं इसमें और इसे भी चला लेंगे। दूध डालने के बाद इस तरीके से चला लेंगे अच्छे से और गैस को मंदी कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे खोल खोल करके चेक करते रहेंगे, खोल करके चेक कर लेंगे फिर से और हाथ से दबा करके देख लेंगे कि हमारी गाजर पक गई है कि नहीं। तो ये दब रही है, इसका मतलब गाजर पक चुकी है। और इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज्यादा। और थोड़ी देर फिर ढक देंगे इसको और गैस को मंदी कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे और पकने देंगे ताकि हमारी जो शुगर डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं, फिर से इसको खोल करके और एक बार चेक करेंगे। गाजर हमारी पक चुकी है, शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, दूध भी सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मावा और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे अपने किशमिश, काजू और ये बादाम। इन सबको डालने के बाद इसे तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। ये हमारा बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।